Water is the most wonderful gift from nature. Water supports life. Life would not have been possible on earth without water. जो पानी है हमारे प्राकृतिक से एक बहुत ही बड़ा उपहार है जो हमारे लाइफ को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, और बिना पानी के हम जी नहीं सकते, ये बहुत ही मुमकिन है. वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर वीक बट नॉट विदाउट वाटर. हम कुछ दिन तो बिना भोजन के रह सकते हैं मगर पानी के बिना एक पल भी नहीं. दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द लिविंग बींग्स. जो पानी है वो सारे लिविंग बींग्स के लिए, सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे पेड़ पौधे जानवर सब में आते हैं. बोथ प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर. वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर ऑल लिविंग बींग्स. वाटर इज यूज फॉर एवरीडे लाइफ, फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड मेनी अदर पर्पज. जो पानी है हमारे प्रतिदिन काम आते हैं, जैसे कि पानी पीने में, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड बहुत से पर्पज आते हैं. इट इज यूज इन एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्रीज. जो पानी है वो हमारे एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है और इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है. इट इज यूज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज. इट इज यूज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन. वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम्स टू रोटेट जनरेटर्स इन डैम पावर स्टेशन. जो पानी है वो हमारे जनरेटर्स में भी, एग्रीकल्चर में भी, जैसे खेतों को सब पानी देना जिससे कि हमारे जो फसल होते हैं वो बड़े होते हैं. इससे हमें पानी की बहुत ही आवश्यकता है. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज वाटर. नॉन ऑफ द अर्थ प्लैनेट हैज वाटर बिकॉज देयर सरफेस एंड आइदर टू हॉट और टू कॉल्ड. वाटर हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट लाइफ. जो वाटर है हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, सहारा देता है, और एकमात्र ऐसा अर्थ है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा अर्थ है जो हम जिस पे बस पानी है, ग्रह है ऐसा कि. जैसे कि रात में इसमें ठंडी होती है और दिन गर्म होते हैं. वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द वाटर सरफेस. जो पानी है वो हमारी पृथ्वी के 1/4 सतह को घेर ली है. वाटर इट मेक ऑफ 70% ऑफ आवर बॉडी एंड 80% to more than 95% ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल. जो पानी है वो हमारी बॉडी में 70% रहता है और 80% or 95% फ्रूट और वेजिटेबल्स में है. इन एंशिएंट टाइम वाटर इज कंसीडर्ड एन एलिमेंट बट नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अमंग ऑल द कंपाउंड फॉर द अर्थ. वाटर इज द मोस्ट एबिट्यूड. जो वाटर है हमारे प्राकृतिक लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट एबिट्यूड करता है. जिससे कि वाटर एक हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है. यूजेस ऑफ वाटर. बिसाइड बींग एसेंशियल फॉर लाइफ वाटर इज यूज फॉर मैनी अदर पर्पज. जो पानी है वो हमारे बहुत से पर्पज में काम आते हैं. इन इंडिया अबाउट 70% टोटल वाटर अवेलेबल इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, 22% बाय इंडस्ट्रीज एंड ओनली 8% फॉर पर्सनल डोमेस्टिक नीड. जो हमारे इंडिया है उस पर बस 70% पानी है और एग्रीकल्चर में हमारे आते हैं 20 से 22% पानी का यूज किया जाता है. इंडस्ट्रीज में भी और 8% जो होते हैं वो पर्सनल डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घर के कामों में 8% का पानी का उपयोग किया जाता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर. अब हम लोग पढ़ते हैं वेरियस यूजेस ऑफ वाटर. सो फर्स्ट हाउस होल्ड यूज. घरों में पानी की जरूरत. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड गार्डनिंग. जो पानी है वो हमारे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बाथिंग करने, नहाने के लिए, कुछ धोने के लिए और गार्डनिंग करने के लिए यानी कि पेड़ों पौधों को पानी देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी ऑल्सो यूज वाटर ऑफ यूजिंग टॉयलेट एंड क्लीनिंग फ्लोर्स. जो वाटर होता है वो हमारे टॉयलेट को क्लीन करने के लिए और फ्लोर को साफ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द एड्स ऑफ द क्वाइट अलॉट बिटवीन 25 and 15 liters पर पर्सन पर डे. कोई अगर पर्सन होता है वो एक दिन में कम से कम 25 या फिर 50 लीटर पानी का उपयोग करता है. ट्रांसपिरेशन एंड रिकेशन. अ पार्ट ऑफ दिस यूजेज ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर ट्रांसपिरेशन एंड रिकेशन. इट इज ऑल्सो रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस एंड प्रोवाइड होम टू मैनी एनिमल. जो पानी है वो हमारे सारे एनिमल्स को, क्लाइमेट्स को रखती है. जैसे कि आप वाटर साइकिल पढ़े हुए होंगे उसमें हम बताते हैं कि जो नीचे होते हैं जो पानी है वो हमारे हाउस होल्ड में बहुत से यूज में आते हैं. अब हम आते हैं सेकेंडली एग्रीकल्चर यूज पे. आवर कंट्री डिपेंड ए लॉट ऑन एग्रीकल्चर फार्मर्स रिली ऑन वाटर टू सस्टेन द एग्रीकल्चर क्रॉप. जो बीज होते हैं उनको पानी चाहिए तभी वो बढ़ सकते हैं और वो हमें राशन दे सकते हैं.
खाते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में ले लीजिए, वीट हो गया, पैडी हो गया, मतलब गेहूं हो गया, धान हो गया, बहुत से लाइक ऑल प्लांट्स क्रॉप नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ड्राइंग मिनरल फ्रॉम द सोइल एंड ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द फ्रॉम पार्ट ऑफ अनदर. दे ऑल्सो लूज ए लॉट ऑफ वाटर बाई एवोपोरेशन मेनली फ्रॉम द लीफ. दिस लूज ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग ऑफ सीड क्रॉप. पानी खेतों के लिए बहुत ही जरूरी है. अगर पानी खेत में ना मिले तो जो हमारे जो क्रॉप्स सीड्स होते हैं, जो हम जो अनाज को बोते हैं वो हमारे नहीं हो पाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत ही सूखा पर पड़ जाएगा और पानी अगर ना रहे तो. और जो हम पानी अगर खेतों में ना डालते हैं तो जो हमारा बीज है, जो हमारा प्लांट पौधा कुछ भी है, तो उससे वो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो मृत्यु हो जाएगा उनका. इंडस्ट्रियल वेलेट्स, जो इंडस्ट्रीज कल कारखानों में काम किए जाते हैं, उसे ऑल फैक्ट्रिक यूज एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे. जो पानी है उसकी बहुत ही बड़ी कीमत है पूरे दिन में. इंडस्ट्रीज एड ऑफ टेन सेट ऑफ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बिकॉज दे नीड्स ह्यूज क्वांटिटीज एंड वाटर फ्रॉम फॉलोइंग पर्पज. जो पानी है वो हमारे कल कारखानों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ भी अगर बनता है, जो अगर हम कोई नीड्स सामान लेते ही हैं, तो हमारे पानी से ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जिससे कि वो उसी से बन पाते हैं. और पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए. सो सेफ वाटर एंड सेफ लाइफ. थैंक यू.